बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय, गुरु चरणारविंद की जय, मैया महारानी की जय, संत श्री लालन जी महाराज की जय। सभी प्रेमी भक्तजनों को सादर नमन और प्रेम पूर्वक राधे राधे। एक बार एक राजा थे, उस राजा ने हमेशा बहुत आनंद से, बहुत अच्छे से, बहुत रीजनेबल मन से और बहुत प्रजा को सुख मिले, प्रजा को आनंद हो, प्रजा को समृद्धि मिले, वैसे राज्य किया। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। तो ये राजा को मेजर एक प्रॉब्लम थी कि उसका जो बेटा था, जो राजकुमार था, वो कुछ ऐसी संगत बोलिए, ऐसे संस्कार बोलिए, ऐसा वातावरण बोलिए, ऐसे दोस्त बोलिए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन उसके जीवन में वो बात नहीं आ पाई जो राजा लाना चाहते। उसका व्यवहार, उसका बोलना, उसका आचरण, उसको प्रजा के साथ इंटरैक्शन, ये सब चीजों में कड़वाहट घुस गई। ये सब चीजों में उसके अंदर अहंकार, मैं कोई हूं, मैं राजकुमार हूं, ये अहंकार जो होता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है। तो अहंकार, उसके बाद व्यवहार में, बिहेवियर में अहंकार आएगा तो बिहेवियर बिगड़ेगा, बिहेवियर बिगड़ता है अहंकार से और बोली बिगड़ती है, बोली बिगड़ती है और हमारा जो दूसरों के साथ कनेक्शन है, रिलेशन है, हमारा दूसरों के साथ इंटरैक्शन है, वो बिगड़ता है। तो राजा को अंदर से ये बात सताती थी। समय बीता, राजा प्रार्थना करता कि कैसे भी हो, लेकिन राजकुमार को कोई मार्गदर्शन देने वाला, कोई राह पे लाने वाला व्यक्ति आ जाए, मिल जाए, तो आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। तो समय बीता और एक बार महात्मा बुद्ध भगवान उस राज्य में आए, राज्य में आए और सत्संग होता, सब लोग उनको सुन करके मुक्त रहते। राजा ने भी आग्रह किया कि प्रभु, मैं सत्संग तो करता हूं, आपका दिया हुआ, आपकी कृपा से, भगवत कृपा से राज्य में समृद्धि है, शांति है, आनंद है, वातावरण अच्छा है, परंतु एक जो है बात मुझे खटकती है। तो बुद्ध भगवान ने पूछा, क्या बात खटकती है? बोले, गुरुजी, भगवान, राजकुमार जो है
उसके जीवन में कड़वाहट, बोली में कड़वाहट, आचरण में कड़वाहट, उसका जो जीवन है अहंकार से भरा हुआ और दूसरों को दुख देने वाला जीवन बन गया है। आप अगर कोई कृपा करें और उसको कोई मार्गदर्शन ऐसा दें कि उसको इस बात की समझ आ जाए कि ये कड़वाहट आगे के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए ये कड़वाहट दुखदाई होगी, तो भगवान बोले बहुत अच्छी बात है, आप कल उसे मुझे मेरे पास भेजिएगा। आप कल उसे मेरे पास भेजिएगा। भगवान, बुद्ध भगवान ने आज्ञा करी तो दूसरे दिन राजकुमार और राजा आए, तो बुद्ध भगवान ने राजा को आज्ञा दी कि आप जाइए, हम और राजकुमार आज कुछ देर साथ में बिताएंगे। अब राजकुमार को तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन ठीक है बिताएंगे बिताएंगे, अपना क्या है। तो बुद्ध भगवान बाहर निकले और चलते हुए, आगे चलते हुए जंगल के किनारे जब पहुंचे तो उन्होंने युवराज से कहा, दो पत्ती तोड़ी और युवराज को दी, बोले युवराज से कहा आप इसको खा के देखिए। तो राजकुमार ने खाई और वो इतनी कड़वी थी कि राजकुमार को आ गया गुस्सा, उसने झाड़ को लिया, उस छोटे से पेड़ को लिया, उखाड़ा और फेंक दिया गुस्से में। तो बुद्ध भगवान ने उसको पूछा कि अरे राजकुमार, ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये तो इतना कड़वा पेड़ है और ऐसा विषैला है और कितना बहुत ही कड़वा था, मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया। बोले क्यों उखाड़ के क्यों फेंक दिया? बोले अरे ये इतना कड़वा पेड़ जब बड़ा होगा तो कितना विषैला बनेगा, कितनी कड़वाहट फैलाएगा, तो इतनी कड़वाहट फैलाए उसके पहले उसको निकाल के फेंक देना अच्छा है, इसलिए मैंने उसको निकाल के फेंक। तो बुद्ध भगवान ने कहा राजकुमार, एक छोटा सा पेड़ जिसकी दो पत्ती तुमने खाई, तुमको कड़वी लगी, इसलिए तुमने उस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया कि आगे चल के कड़वाहट ना फैलाए, देखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो व्यवहार में, बोली में जो कड़वाहट आ गई है, उस कड़वाहट के कारण प्रजा तुमको ऐसे ही उखाड़ के फेंक ना दे, इतना ध्यान रख लेना, ये कड़वाहट जो है वो एक दिन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। जैसे इस पेड़ के विनाश का कारण वो कड़वाहट बनी, तुम्हारे जीवन में जो कड़वाहट आ गई है वो भी, वो कड़वाहट तुम्हारे विनाश का कारण एक दिन बनेगी, आज संभल जाओ, आज संभल जाओ तो कल समृद्ध होगा। भगवत कृपा और संत का सानिध्य और बुद्ध भगवान जैसे व्यक्तित्व का उपदेश प्राप्त करके राजकुमार के जीवन में बदलाव आया और उस बदलाव के कारण उसका जीवन परिवर्तित हो करके उसने उस उपदेश को जीवन में उतार करके अपने आप को सुधार के रास्ते पर लाने का प्रयास किया। लकी था वो, फॉर्चुनेट था वो
एक ऐसा जीव निकला जिसके जीवन में ये बदलाव आया। वो एक ऐसा जीव निकला जिसने उस बात को पकड़ करके जीवन में उतार करके अपना काम कर लिया। अन्यथा हम और आप सुनते रहते सुनते रहते सुनते रहते सुनते रहते, परंतु परंतु हमारे आप में से कितने ऐसे हैं जो उस बात को पकड़ते हैं, जीवन में उतारते हैं और तत्क्षण यानी उसी समय से अपने जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाने में सक्षम होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। वो लकी था राजकुमार के, उसने उस समय बुद्ध भगवान की बात उसको लग गई और अपने जीवन को उसने सुधार लिया। हमको भी कई बार गुरुदेव भगवान ने उपदेश दिया, हमको भी कई बार बोला गया वाणी सुधारो, आचरण सुधारो, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो सुधारो, गुस्से पे कंट्रोल करो, इत्यादि इत्यादि पूरी लिस्ट होती है। क्योंकि तो हमारे में हमारे अंदर जो जो भरा हुआ है उस सब सब की हमको उपदेश मिल चुके हैं। तो हमको आज के दिन क्या करना है ये हमको डिसाइड करना है। अगर मैं उस उपदेश को लेकर के आगे नहीं बढ़ता हूं या नहीं बढ़ती हूं, तो अगर राजकुमार नहीं बढ़ा होता तो क्या होता? उसके जीवन की जो कड़वाहट है वो रहती रहती रहती, उसको अंदर से खाती जाती खाती जाती खाती जाती खोखला कर देती, और एक दिन जैसे उस पेड़ की गति हुई वैसे उसकी भी गति वैसी ही होती जैसे उस पेड़ की हुई। तो वो लक्की आदमी था क्योंकि उसने अपने आप को संभाल लिया। हम और आप जो साधारण जीव हैं, हमारी प्रॉब्लम ये रहती है हमारे आपके जीवन में उपदेश मिलता है लेकिन समहाउ हम लोग उतना परिवर्तन नहीं कर पाते जितना उस राजकुमार ने कर लिया। और ये रीजन ये होता है कि हम रियलाइज नहीं करते कि हमारे अंदर वो कमी, वो लैक ऑफ सत्संग या वो फॉल्ट हमारे अंदर घुस गया है। ये हम अगर एक्नॉलेज कर लें तो हमको बहुत आसानी होगी सुधरने की। कितनी सिंपल सी बात है, इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। मतलब क्या हुआ कि हम अगर पोर्ट्रे करो कि हम एक दुकान है और ये जुबान जो है वो उसका ताला है। कितना अच्छी उसने कंपैरिजन लिया कि जब ताला खुलता है, शटर खुलता है, तो हमको पता चलता है कि अंदर दुकान जो थी वो सोने की है, रद्दी की है, के प्लास्टिक की है, के फालतू सामान की है, के कबाड़ी की है, के किसकी है। वैसे ही ये जो जबान का ताला जब खुलता है तो हमको पता चल जाता है कि अंदर व्यक्ति के अंदर की दुकान सोने की है या रद्दी की। यानी हम अपने आप को पोर्ट्रे कर देते हैं, हम दुकान का शटर खोल देते हैं और जैसे ही दुकान का शटर खुलता है पता चल जाता है इस दुकान के अंदर माल क्या भरा हुआ है। अगर हमारे अंदर से कचरा, रद्दी, बेकार सी चीजें निकलेगी तो आदमी समझ जाता है दुकान पे बोर्ड कितना ही अच्छा लगा दिया, कितना ही बढ़िया लेटेस्ट लगा दिया हो, लेकिन इस दुकान के अंदर सब डुप्लीकेट माल है, सब रद्दी भरी हुई है, सब कबाड़ी खाना भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि शटर खुला, माल निकला, पता चल गया कि इसमें रद्दी भरी हुई है। बाहर का जो बोर्ड लगा था ना, उससे तब तक ही दुकानदार दूसरों को बना सकता है जब तक उसने वो शटर नहीं खोला। जब शटर खुल गया पता चल गया भैया इस अंदर
अंदर तो रद्दी भरी हुई है, कबाड़ी भरा हुआ है, या अगर जुबान से खुली और ये ताला खुला और सत्संग, अच्छे शब्द, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों के गुण देखना, दूसरों की तारीफ करना, दूसरों को प्रोत्साहित करना, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाना, दूसरों के लिए कुछ कार्य करना, दूसरों की अच्छी चीजों को उजागर करना, ये सब निकलता है तो व्यक्ति सोचता है भैया ये दुकान तो हीरे मोती जवाहरात सोने की है, इसमें रद्दी माल नहीं भरा हुआ। पूज्य माँ कहते हैं ना, खास करके जो हम लोग सत्संग करते हैं, तो जब हम सत्संग करने जाते हैं तो सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उपदेश सुनते हैं, और सत्संग करने के बाद घर जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो रहती है कि सत्संग करने के बाद क्या हमारे बिहेवियर में, जो घर में हमारा बिहेवियर है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। सत्संग करने के बाद मेरे वर्ताव में, बोली में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में, दूसरों के साथ सोच में, ये इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट हुआ, अगर हम आगे बढ़े, अगर हमारे बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट हुआ, बोली में इम्प्रूवमेंट हुआ, एक्ट जो हम लोग द वे वी बिहेव उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो समझने का कि बोर्ड और सामान मैच होने लगे। अन्यथा सत्संग तो मैं करूं, गुरुजी के पास तो मैं जाऊं, और घर में आकर के वही आग का टुकड़े जैसा बर्ताव करूं, वही मैं आग का टुकड़ा ही रहूं, वही वैसा ही वैसा मेरा बिहेवियर रहे, वैसा ही वैसा मेरा दूसरों के साथ बोली रहे, वैसे ही वैसी मैं दूसरों के साथ वार्तालाप करूं, तो बोर्ड के साथ सामान का मैच नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं ये इंसान एक दुकान है और ये जबान जो है उसका ताला है। जुबान खुलते ही, ताला खुलते ही पता चल जाता है कि दुकान होने की है या रद्दी की। हमको तो बस केवल इतना करना है कि हमारी जो जो जबान है, जो हमारा जो ताला है, जो हमारा जब खुलता है तो वैसा ही सामान निकले जैसा हम उपदेश लेकर के जीवन में उतारने से लेकर के अपने अंदर तक उतार करके अपने अंदर एक चेंज लाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उसमें से झलकना चाहिए। उसमें से मुझे ये पता चलना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर वो चेंज आया, हाँ मैंने कोशिश करी थी, वो उसमें से झलके, तब जाके पूज्य माँ कहते हैं, तब जाकर के हमको समझ में आएगी कि नहीं बोर्ड माल दोनों मैच कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज दे, गुरु चरणार विंद की जय, संत श्री लालन जी महाराज की जय।